हनी ट्रैप मामले में सनसनीखेज खुलासे करने वाले संझा लोकस्वामी अखबार से मध्य प्रदेश सरकार संसद में आ गई है। हनी ट्रैप मामले में फंसे नेताओं और अफसरों के नामों का अब खुलासा ना हो, इसलिए अब सरकार ने मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश शुरू कर दी है। बीती रात लोकस्वामी से जुड़े संस्थानों पर छापामार कार्रवाई कर प्रशासन ने मीडिया पर अघोषित आपातकाल जैसे हालात पैदा करने के प्रयास किए हैं। कमलनाथ सरकार के इस कदम की हर तरफ आलोचना शुरू हो गई है। इंदौर में प्रेस की आजादी पर कांग्रेस सरकार ने अघोषित आपातकाल लगा दिया है। हनी ट्रैप मामले पर लगातार सांझा लोकस्वामी के खुलासों से नेताओं और अधिकारियों की अय्याशियों का खुलासा हो रहा था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार इस अखबार से इस कदर भयभीत नजर आए कि उसने अखबार और उससे जुड़े संस्थानों पर छापामार कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान इस कदर पुलिस लगाई गई जैसे कोई बड़ी आतंकवादी घटना हो गई हो या पुलिस कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करने आई हो। अंदर गए हैं अमित जी, आए थे, हम भी अंदर गए। अंदर जाने के बाद पुलिस वालों ने मारा। ऐसा किस मारा, किस को मारा? जरा मुझे मारा, अमरेंद्र जी साहब के सामने मारा। और किस किस को मारा है? मुझे अभी फिलहाल तो मैं अंदर गया, मुझे मारा। कैमरा भी छीना आपका? कैमरा भी रख लिया था, अब भी कैमरा मिला है। कहाँ चोट आई आपको? हाथ में डंडे मारे, गिरा दिया नीचे, हमने जिस आपके सामने गिराया। कैमरा तो नुकसान नहीं हुआ? कैमरा फूटा आपका? कैमरा तो पहले छीना लिया था, कैमरा ऐसा गिराया और छीन लिया, अभी कैमरा दिया मेरे को। ठीक है। पुलिस की कितनी दादागिरी चल रही है कि आजकल पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार भी घर के अंदर महसूस नहीं है। गुंडागर्दी चल रही है, कल से कोई पत्रकार अपनी कलम नहीं उठा पाएगा, कोई फोटोग्राफर फोटो नहीं खींच पाएगा, कोई अपना वीडियोग्राफर, कोई अपना शॉट नहीं बना पाएगा। आप समझो, सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है। कल से कोई भी कलमकार 10 बार सोचेगा किसी के खिलाफ खबर लिखने में, सरकार के खिलाफ। इस तरीके से किसी के घर पर छापा, सीधा सीधा दिख रहा है कि हनी ट्रैप में जो खुलासे किए गए हैं लोकस्वामी द्वारा, उसके बाद एक पत्रकार एक की कलम को दबाने के लिए ये सब कुछ आधी रात को यहाँ पर प्रेस के अंदर, घर के अंदर उनके प्रतिष्ठानों में छापे डाले गए, गुंडागर्दी की गई है, लाइट चलाए गए हैं, कैमरे छीने गए हैं, जिसमें 3-4 पत्रकार घायल हुए हैं। लोकस्वामी अखबार रोज उन अय्याश नेताओं और अफसरों का खुलासा कर रहा था जो हनी ट्रैप के चक्कर में गैंग से जुड़े लोगों को अनुचित लाभ पहुंचा रहे थे। इन अफसरों और नेताओं के दो दो चेहरे सामने आ रहे थे। लड़कियों के लिए ये अफसर किसी भी हद तक जा सकते थे। सरकार को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि लोकस्वामी कुछ वर्तमान अधिकारियों और नेताओं की अय्याशी को अखबार के पन्ने पर ला सकता है, तो अचानक लोकस्वामी के मालिक पत्रकार जीतू सोनी के निवास और संस्थानों पर यह कार्यवाही की गई। पत्रकारों ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। कमलनाथ सरकार के अधीन इंदौर प्रशासन द्वारा जिस तरीके से सांझा लोकस्वामी अखबार को दबाने की कोशिश की गई है, उस पर जो कार्रवाई की गई है, उसकी डिजिटल प्रेस क्लब कड़े शब्दों में निंदा करता है और कमलनाथ सरकार से उम्मीद रखता है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हनी ट्रैप मामले में जिस प्रकार सफेद पोषों को, ब्यूरोक्रेसी को, जो समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें नंगा किया जा रहा है, उस सारे मामले से सरकार भयभीत है, प्रशासनिक तबका भयभीत है और वो घबराया हुआ है। यही कारण है कि इंदौर से प्रकाशित लोकप्रिय सांझा लोकस्वामी समाचार पत्र पर जो कार्रवाई की गई है, वह न केवल प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि मध्य प्रदेश के उस मीडिया को जिसकी पीठ पत्रकारिता में कभी रुचि नहीं रही, जो मीडिया राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी के आदर्शों को लेकर के मध्य प्रदेश की पत्रकारिता कर रहा है, उस पर ये सीधा सीधा हमला है। और ये हमला किसी भी स्थिति में ना तो कोई पत्रकार यूनियन बर्दाश्त करेगी, ना समाचार पत्र संचालक बर्दाश्त करेंगे। सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए, यदि उनके पास, जब संजा लोकस्वामी के संचालक ने ये कहा कि ये जांच एजेंसियों के पास भी ये तथ्य हैं और यदि नहीं है तो इन तथ्यों को शामिल करके जांच की जाना चाहिए, तो स्पष्ट है कि मीडिया अपना धर्म निभा रहा है और उस धर्म को रोकने के लिए प्रशासनिक तबका और सरकार पर्दे के पीछे से कार्रवाई कर रही है। मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हनी ट्रैप मामले में शिवराज से लेकर कमलनाथ सरकार तक के कई नेता और अफसर हनी में नजर आए हैं। बड़े पदों पर बैठे कुछ अय्याश अफसरों की मीडिया के कारण नींद उड़ी हुई है। यही वजह है कमलनाथ सरकार और उनके अफसरों को मीडिया पर अघोषित आपातकाल लगाना पड़ रहा है। इंदौर से प्रकाशित होने वाले
सांध्य दैनिक लोक स्वामी समाचार पत्र लगातार हनी ट्रैप मामले में सफेदपोशों के काले कारनामों को उजागर किए जाने से सरकार बौखला गई है। लोक स्वामी अखबार के प्रमुख जीतू सोनी के इंदौर शहर में स्थापित विभिन्न प्रतिष्ठानों पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में विद्युत विभाग, खाद्य विभाग एवं राज्य के अधीन आने वाले विभागों ने कुछ ज्यादा ही सक्रियता दिखाई। पुलिस और प्रशासन ने शाम से ही छापा मारने की रणनीति तैयार कर ली थी। रात 11:30 बजे पुलिस, नगर निगम, बिजली कंपनी, आबकारी विभाग, खाद विभाग के अमले ने एक साथ गीता भवन और साउथ तुकोगंज स्थित दो होटलों, न्यू पलासिया स्थित रेस्तरा, प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित मीडिया हाउस, कनाडिया रोड स्थित निवास पर एक साथ छापा मारा। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों और संस्थान के कर्ता धर्ता के बीच जमकर हुज्जत हुई। उन्होंने कहा कि आप किस तरह की कार्यवाही करने आए हैं। उन्होंने भारी पुलिस बल लाने पर आपत्ति ली और अतिरिक्त बल हटाने के लिए कहा। एसडीएम राकेश शर्मा ने संस्थान से जुड़े अमित सोनी से कहा कि वे सर्चिंग करने आए हैं और उन्हें ना रोका जाए। सोनी ने कहा कि सर्चिंग के लिए 2-3 अफसर जा सकते हैं। इसके बाद चुनिंदा अफसरों की टीम कार्रवाई करने भीतर पहुंची। हनी ट्रैप मामले में लगातार हो रहे खुलासे के बाद मीडिया हाउस ने शनिवार को कोर्ट में हार्ड डिस्क वकील के माध्यम से पेश की थी, जिसमें कई बड़े राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स के फुटेज भी बताए जा रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।